मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल सिंबल्स आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर एलिमेंट के लिए एक फिक्स सिंबल है, हर कंपाउंड के लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है। तो जब हम एलिमेंट्स को या फिर कंपाउंड्स को उनके फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस उनमें इन्वॉल्व रहते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें हमने प्रीवियस एग्जांपल हमने यूज़ किया है जो हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था। केमिकल रिएक्शन में हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई थी तो हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। तो सेम हमने उसी को रिपीट किया एग्जाम्पल, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब हम जब ये तो हमारी वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन कह सकते हैं इसे, या हम इसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। अब हम जो ये केमिकल रिएक्शन है, जब हम इसको जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, तो जब हम इसमें इसका सिंबल है Zn, तो जब हम इसको Zn, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जिंक सल्फेट होता है Zn SO4 और हाइड्रोजन गैस होती है H2। तो जब हम इस रिएक्शन को इनके सिंबल के फॉर्म में लिख देंगे तो फिर हम उसे केमिकल इक्वेशन कहेंगे। सो Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू Zn SO4 प्लस H2। अब ये तो आपको पता ही है कि जो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं हम उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन के बाद जो हमें मिलते हैं हम उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो है लेफ्ट साइड जो है Zn और H2SO4, ये दोनों रिएक्टेंट है, और जो रिएक्शन के बाद बन रहे Zn SO4 और H2, ये प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शन को जो केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट हैंड मेथड कह सकते हैं उसको, कि वो उसको रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट हैंड मेथड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसमें अलग अलग एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल इक्वल होते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमने सेम एग्जाम्पल यूज़ किया है कि हमने ये जिंक की रिएक्शन कराई है हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आपको पता है जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, पहले Zn प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इक्वल्स टू Zn SO4 प्लस H2। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनके एटम्स इक्वल हैं कि नहीं है। देखिए Zn, यहाँ पर इसका एटम 1 है, और यहाँ रिएक्टेंट में 1 है, और यहाँ प्रोडक्ट में भी 1 है। हर एलिमेंट के अलग अलग चेक करने होते हैं। और यह है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं 2 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी है 2। और सल्फर इसके हैं 1, और यहाँ सल्फर के भी 1, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं 4 और यहाँ पर भी 4। यानी कि सारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के वो इक्वल इक्वल है। तो ये हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जस्ट अपोजिट है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अनइक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सो द केमिकल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर देन एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो द एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन H2 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म वाटर H2। अब चेक करते हैं नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के अलग अलग।
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम है H2, यानी कि दो एटम है, और यहाँ पर प्रोडक्ट में भी दो एटम H2, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं 2 और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स है 1। तो ये जो है हाइड्रोजन की तो सेम है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इनके अनइक्वल है, तो इसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बट हम जहाँ भी लिखते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, हम कभी भी इक्वेशन को अनबैलेंस नहीं छोड़ते हैं। अगर वो अनबैलेंस है तो हम उसको बैलेंस बनाते हैं। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है कि एक केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस किया जाता है? तो होता क्या है कि जो यहाँ पे एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है, जिसके अकॉर्डिंग मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सेम एज है एनर्जी के, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, सेम यहाँ पर भी मैटर के लिए अलाउ होता है। तो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, और केमिकल प्रोसेस में जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होना जरूरी होता है, यानी जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। तो अगर उनका हर एलिमेंट की मास नंबर ऑफ एटम्स अगर अलग अलग हैं तो हम उनको दोनों साइड हम इक्वल बनाते हैं, तो जिससे हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाती है। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट नेसेसरी टू ऑब्टेन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? आंसर इज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज अप्लाइड हेयर, अकॉर्डिंगली मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। दस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन द सेम बिफोर अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको बैलेंस करना जरूरी है, ताकि हम उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स या उसके मासेस को हम इक्वल करते हैं, सेम होना चाहिए उसका मास। सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड आर मेड इक्वल, दैट इज द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, बट हम कभी भी किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं हम उसी को यूज़ करेंगे। हम एलिमेंट का सिंबल वगैरह चेंज नहीं कर सकते या किसी का फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं करते। हम उसमें उसको बैलेंस करने के लिए हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दोनों में डिफरेंस है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें जो इक्वेशन गिवन होती है वो बैलेंस है, इट मीन्स उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम, जितने भी एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इक्वल होता है। बट यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में एक एक हमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होती है और हम उसको बैलेंस बनाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे हर एलिमेंट के अगर कम या ज़्यादा जो भी हैं तो हम उन दोनों को इक्वल बनाएंगे, इसको हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वही वाला एग्जाम्पल यूज़ करते हैं जो हमने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में किया था। तो हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हम ले रहे हैं, H2+O2=H2O, और हम इसको बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में, सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर H2 है, H2 के दो एलिमेंट, यहाँ पर दो एटम है तो, और प्रोडक्ट में भी दो एटम है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में दो एटम है और प्रोडक्ट में वन एटम है। तो यहीं पर हमारी गड़बड़ है कि हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो एटम्स है उनको हमें इक्वल करना पड़ेगा। अब इसको इक्वल करने के लिए हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है,
कि हम किसी का फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। जो भी हमें एलिमेंट सब्सटेंस जो भी हमें गिवन है, कंपाउंड जो भी गिवन है, हम उनका फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मूला जो है वही रहेगा। अब उसके नंबर ऑफ एटम्स को कम ज़्यादा करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से, जैसे 2 से किया, 3 से किया, इनके आगे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक होल नंबर से ही हो। मल्टीप्लाई यहाँ पर हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बट हम होल नंबर्स को प्रायोरिटी देते हैं, और वैसे हो फ्रैक्शन से भी सकता है। अब यहाँ पे हमें, जैसे हमने चेक किया, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, और यहाँ पर 2 और 1 है, तो हमें ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, तो हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के हो गए 2, और यहाँ पर भी 2, यानी कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन का चेक करते हैं दोबारा से। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर हो गए 2, 2 जो 4, यहाँ पर प्रोडक्ट में 4 हो गए हैं, और यहाँ पे है हमारे पास 2, सिर्फ 2 ही हैं, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2, 2 जो 4, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज 4, एंड 4, 2 2 जो 4, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 2। तो इस तरीके से हमने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया। इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास और भी, इसकी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस हैं जिनको हम बैलेंस करना सीखते हैं। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज Na+O2=NA2O। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करते समय सेम वही, सबसे पहले हमें हर एलिमेंट की नंबर ऑफ एटम्स को हमें चेक करना है, और किसी भी एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमने पहले औरों को भी चेक करना है, क्योंकि शायद उसकी वजह से हमारे कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो हमें पहले और भी नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना है, और उसके बाद ही हमें करना है। सो सोडियम, यहाँ पर सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स 1, और यहाँ पर सोडियम के हैं 2, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन दोनों को ही हमें बैलेंस करना है। अब इसमें अगर हम सोडियम को देखते हैं, सोडियम यहाँ पर 2, यहाँ पर सोडियम 2 है, और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये भी देखना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आए और ये अनबैलेंस है, तो इसको भी हमें बैलेंस करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले ये भी हमें सोच लेना है कि उसका इफेक्ट क्या होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, है ना। तो बट नंबर ऑफ सोडियम में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, और नंबर ऑफ सोडियम यहाँ पर हो जाएंगे 2, 2 जो 4, और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, तो अगर हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी और एलिमेंट में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हम कर सकते हैं। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया, और सोडियम 2, 2 जो 4, और सोडियम यहाँ पर 1 था, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये हमारा बैलेंस हो चुका है। तो 4 सोडियम और सोडियम 2, 2 जो 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट, H2O2=H2O+O2, अलग से लिख देते हैं ताकि आप इसे डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अब हमें चेक करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन H2, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये तो बैलेंस है। अब हमें ऑक्सीजन को चेक करना है, ऑक्सीजन है 2, और ऑक्सीजन है यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2, मिला के 3, यानी कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास 3, और यहाँ रिएक्टेंट में है 2, हमें ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम किस तरीके से इसे करते हैं। अगर हमें 2 और 3 का है, तो अगर हम इसे 2 से, सपोज को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास जाएंगे 2, 2 जो 4, राइट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हो गए, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, और 2 ही हैं, ये भी 4 हो जाएंगे, तो और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो हम इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाइड्रोजन 2, 2 जो 4, ऑक्सीजन 2, 2 जो 4, तो हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 एंड 2 4, यस, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अब दोबारा से हम इसको चेक करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, 2 जो 4 रिएक्टेंट में, और 4 प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन 2, 2 जो 4 रिएक्टेंट में, और 2 यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, और 2 यहाँ पर है, टोटल मिला के 4,
इस तरीके से चेक करना है। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। नाउ द नेक्स्ट, अब ब्रैकेट वाले हैं तो इसके इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे इसके नंबर ऑफ एटम्स को हम काउंट करेंगे, वो यहाँ पर आप केयरफुली देखिएगा। एम जी ओ एच का होल ट्वाइस प्लस एस सी एल इक्वल्स टू एम जी सी एल टू प्लस एस टू। अब यहाँ पर मैग्नीशियम, नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम में वन, प्रोडक्ट में भी वन। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर टू है, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे है टू और यहाँ पे है वन, और हाइड्रोजन भी है टू, टू एंड वन थ्री, और यहाँ पर हाइड्रोजन टू, सॉरी टू और वन थ्री, हाँ, और यहाँ पर टू, और यहाँ पर सी एल है वन और यहाँ पर है टू। अब इसको बैलेंस करते हैं। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर टू है, तो सपोज अगर हम इसे टू से मल्टीप्लाई करें तो इसका इफेक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे भी पड़ेगा, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे हमारे पास टू टू जो फोर, और ये है टू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो ये भी जाएगा फोर, राइट। इसका इफेक्ट पड़ेगा सी एल पे, सी एल टू, और सी एल यहाँ पर ऑलरेडी टू है, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। तो इसको हम दोबारा से लिखते हैं, प्लस एस सी एल इक्वल्स टू एम जी सी एल टू प्लस एस टू ओ, यानी कि हमें हाइड्रोजन एस टू को मल्टीप्लाई करना है टू से, और इसे भी मल्टीप्लाई करना है टू से। अब देखिएगा यहाँ पर एम जी वन एटम, वन एटम, ऑक्सीजन टू एंड ऑक्सीजन टू एटम्स, हाइड्रोजन टू एंड टू फोर, हाइड्रोजन टू टू जा फोर, और सी एल, सी एल टू और सी एल टू एटम्स, अब बैलेंस हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट, देखिए ए एल ओ एच का होल थ्राइज इक्वल टू ए एल टू ओ थ्री प्लस एस टू। अब इसको चेक करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम के एटम है वन, एल्यूमिनियम टू, ऑक्सीजन थ्री एंड ऑक्सीजन थ्री और वन फोर, हाइड्रोजन थ्री एंड हाइड्रोजन टू। अब इसको हम चेक करते हैं। अब देखिए एल्यूमिनियम एटम टू है, और अगर इसे हम सपोज टू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है इसको दोबारा से लिखते हैं पहले ताकि हॉटस्पॉट ना हो। देखिए अगर हम एल्यूमिनियम को हम इसे टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सपोज, तो इसमें इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और एटम्स में वो देखते हैं, और एलिमेंट्स में एल्यूमिनियम टू, एल्यूमिनियम टू, ऑक्सीजन टू थ्री जस सिक्स, देखिए ऐसे इसको चेक करते हैं इसके एटम्स को, ऑक्सीजन के टू थ्री जस सिक्स एंड टू सॉरी थ्री एंड वन फोर, ऑक्सीजन में गड़बड़ है, हाइड्रोजन थ्री टू जा सिक्स, हाइड्रोजन में भी चेंज करना पड़ेगा हमें, हाइड्रोजन थ्री टू जा सिक्स, तो अगर थ्री कर दें तो थ्री टू जा सिक्स, यहाँ बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन थ्री एंड थ्री सिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है, दोबारा से रिपीट करते हैं, एल्यूमिनियम टू, एल्यूमिनियम टू एटम्स, ऑक्सीजन थ्री टू एस सिक्स, ऑक्सीजन थ्री एंड थ्री सिक्स, हाइड्रोजन थ्री टू एस सिक्स और हाइड्रोजन थ्री टू जा सिक्स, इस तरीके से आपको चेक करना है। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन, ए एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइस प्लस एन ए ओ एच इक्वल्स टू एन ए ओ एच का होल थ्राइस प्लस एन ए टू एस ओ फोर। सबके एटम्स को चेक करते हैं, एल्यूमिनियम टू, प्रोडक्ट में वन, सल्फर थ्री एंड सल्फर वन, ऑक्सीजन थ्री फोर थ्री जै ट्वेल्व और वन थर्टीन, ऑक्सीजन थ्री एंड फोर सेवन, सोडियम वन, सोडियम टू, हाइड्रोजन वन एंड हाइड्रोजन थ्री। तो इसको आपको बैलेंस करना है, इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ। सपोज अगर हम एल्यूमिनियम के एटम टू हैं, तो अगर हम जो ए एल ओ एच का होल थ्राइज है, अगर हम इसे टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका इफेक्ट और जो एलिमेंट है उन पे कितना आएगा। सपोज अगर इसे टू से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, बट अदर एटम्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। ऑक्सीजन थ्री टू सिक्स, सिक्स और फोर टेन, ऑक्सीजन फोर थ्री ट्वेल्व और वन थर्टी, नहीं सही नहीं है। सोडियम भी यहाँ पर टू है, तो अगर सोडियम को हम इसको हम टू से मल्टीप्लाई कर दें, अब फोर थ्री जै ट्वेल्व, ट्वेल्व और टू फोर्टीन, थ्री टू है सिक्स,
सिक्स और फोर टेन, सल्फर वन एंड सल्फर वन, सोडियम टू सोडियम टू एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन टू एंड हाइड्रोजन थ्री, टू सिक्स नहीं, हाइड्रोजन में गड़बड़ है तो उसको हमें दोबारा से सही करना पड़ेगा। हाइड्रोजन सिक्स है तो अगर हम इसे सिक्स से मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन, तब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, फोर थ्री जाए ट्वेल्व और सिक्स, ट्वेल्व और सिक्स एटीन। अब यहाँ पे भी चेंजेस करते हैं, अब यहाँ पे हमारा चेंज आएगा सोडियम, सोडियम हमारे पास सिक्स है और सोडियम यहाँ पर टू है, तो ये थ्री से इसको मल्टीप्लाई करें। अब क्या चेंजेस आएंगे, एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन थ्री टू या सिक्स, सिक्स ऑक्सीजन और यहाँ पे फोर थ्री या ट्वेल्व, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गए 18, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। और हाइड्रोजन थ्री टू या सिक्स और हाइड्रोजन सिक्स, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, और सोडियम थ्री टू या सिक्स, सोडियम भी बैलेंस है, एल्यूमिनियम ऑलरेडी बैलेंस है, सल्फर सल्फर है थ्री और सल्फर है थ्री, तो ये इक्वेशन हमारी अब बैलेंस हो चुकी है। राइट, नाउ द नेक्स्ट, एन एच थ्री प्लस सी यू ओ इक्वल्स टू सी यू प्लस एन टू प्लस एस टू ओ। अब इसको बैलेंस करना है आपने, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर हाइड्रोजन थ्री हाइड्रोजन टू, और कॉपर यहाँ पर वन और वन, और ऑक्सीजन वन और वन, ऑक्सीजन बैलेंस है, कॉपर ही बैलेंस है, और हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो अगर हम इन्हें बैलेंस करना है तो अगर हम इसे टू से मल्टीप्लाई करें, सपोज नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, हॉचपॉच हो जाएगा, सपोज अगर हम टू से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन हो जाएंगे टू, बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन हो जाएगा थ्री टू सिक्स, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो अगर इसको सिक्स बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, थ्री टू सिक्स। अब ऑक्सीजन पे भी इसका इफेक्ट पड़ा है, ऑक्सीजन हो गए थ्री और यहाँ पर ऑक्सीजन है वन, तो इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से। इसका इफेक्ट पड़ा है कॉपर पे, कॉपर हो चुके हैं अब हमारे पास थ्री और यहाँ पर कॉपर है वन, तो थ्री, तो एन टू एच थ्री टू सिक्स, एच थ्री टू सिक्स, कॉपर थ्री, कॉपर थ्री एंड ऑक्सीजन थ्री, ऑक्सीजन थ्री। तो ये तो थे हमारे प्रैक्टिस वर्क था हमारा, आई होप आपको समझ में आए होंगे, आप इसकी और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।